तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, कुर्की करने वालों को कुर्की। आपको बता दें जयपुर से बड़ी खबर, ग्रेटर नगर निगम जयपुर में कुर्की की प्रक्रिया। कोर्ट के आदेश पर चल रही कुर्की की कार्रवाई। तो जयपुर से खबर सामने आ रही है, कुर्की करने वालों की कुर्की की गई। ग्रेटर नगर निगम जयपुर में कुर्की की प्रक्रिया सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नेरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कुर्की करने वालों की यहां पर कुर्की की गई है, ग्रेटर नगर निगम जयपुर में कुर्की की प्रक्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए आयुषी, अब तक नगर निगम कुर्की करता रहा है लगातार, लेकिन आज पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि नगर निगम की कुर्की की जा रही है। नगर निगम की कुर्की करने के लिए वहां पर टीम पहुंची है। दरअसल पूरा मामला है निदान एनजीओ का और नगर निगम के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट का, जो सफाई से जुड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट था, और बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया तो इसको लेकर ये पूरा मामला जो है वाणिज्य कोर्ट में चला गया था, और एनजीओ ने ये के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आरोप लगाया और उसके नुकसान की भरपाई के लिए निगम के खिलाफ दावा किया था। जब ये पूरा मामला चल रहा था तो जो वाणिज्य न्यायालय है उन्होंने कई बार नगर निगम को नोटिस दिया, लेकिन उस नोटिस का जब जवाब नहीं दिया गया और उसको शामिल नहीं किया, उसके बाद में आज जो वाणिज्य न्यायालय है उसने ये जो भरपाई के लिए संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए और वो पूरी टीम नगर निगम पहुंची है। ये पूरा 2,42,92,484 रुपए की वसूली का एक वारंट जो है वो जारी किया गया था। ऐसे में निगम की कुर्सी, टेबल और पंखे सहित जो दूसरे सामान कुर्क करने के लिए पूरी टीम वहां पर पहुंची है। तो लगातार अब तक ये देखने को मिलता था कि नगर निगम जो संपत्ति कुर्क करने जाता था, जिन पर तमाम जो बकाया रहता था, जो ये जो कर बकाया रहता था, दूसरी चीजें होती थी, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला है कि आज नगर निगम की जो संपत्ति है वो उसको कुर्क करके अपनी जो वसूली के लिए यहाँ पर पहुंचा है। और क्योंकि निदान एनजीओ है, इसका कॉन्ट्रैक्ट था ग्रेटर नगर निगम के साथ और बीच में इसको खत्म किया गया था, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने बार बार नोटिस दिए, नोटिस का जवाब नहीं देने पर आज संपत्ति कुर्क करने का वाणिज्य न्यायालय ने आदेश दिया और एनजीओ के वकील और वाणिज्य न्यायालय के जो लोग हैं, टीम है, वो यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल पूरा मामला चल रहा है और अब कहीं ना कहीं जो पूरी कार्रवाई के दौरान एक नई अपडेट ये है आयुषी की, निगम आयुक्त ने मूल जो राशि थी 50 लाख रुपए उसका चेक जमा कराने को लिए उनको दिया है। अब देखना है कि किस प्रकार की इनमें सहमति बनती है या विवाद खत्म होता है। फिलहाल यहाँ पर टीम पहुंची है और निगम आयुक्त और उनके बीच में कोई बातचीत चल रही है और मूल जो राशि है उसका चेक सौंपने की बात नगर निगम की ओर से कही जा रही है। जी जी शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।